क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहां से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी? पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है। बस एक बार उस पूरी शक्ति का चेहरा दिख जाए फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे। भारत नगर के नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे यहां पर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो एक बच्चा मेरे हाथों से फिसल गया। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, भूसे की ढेर को आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, और यहां पर तो बालवीर के मन में आग लगाने के लिए मेरे पास चिंगारियों की मशाल तैयार हो चुकी है। अब ये बुलाएंगे उसे। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो सारे के सारे मिलकर उसे बुलाओ। किसे बुलाना है पता है ना? चिल्लाओ चिल्लाओ, बालवीर! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ हमें प्लीज! बचाओ बचाओ बालवीर! लगता है कि बालवीर के मन में आग लग गई। अब वो गुस्से से जलता हुआ यहां पर आएगा तुम लोगों की जान बचाने। लेकिन सवाल ये है कि उस बेचारे बालवीर को मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर! अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो प्यार से मेरे सामने समर्पण कर दो, या फिर अपने दोस्तों की विदाई की तैयारी कर लो। लगता है इस नए मेहमान को पता नहीं है कि उसका सामना एक नहीं बल्कि दो तो बालवीरों से होने वाला है। यह बात केवल मुझे और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं, और ये राज हमारे बीच ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत के बारे में जितना कम पता होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बालवीर! हमें बचाओ बालवीर! बालवीर! बचाओ बालवीर! बस एक पहर के अंदर बालवीर आपके पैरों की धूल चाट रहा होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बालवीर को फंसाने के लिए चारा तो मैंने डाल लिया है, अब जाल भी बिछा लेता हूं।
बेटा। पापा। मम्मी से मिलो। मम्मी खुशी। इन्हें कैसा है बेटा? तूने कुछ खाया? नहीं। विवान, तू यहाँ भी है और तू वहाँ भी? अपने टिकट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। मम्मी, वो क्या हुआ ना कि बोलो नहीं, सुनो, तू मुझसे पहले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ, अरे मम्मी, मैं वही बता रहा हूँ। आई बोल कि मैं मेरे ब्रेंच को लौटता थे, कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया और आपने मैंने बोल दिया। माँ माँ, अब विवान की कान बाद में किस लीजिएगा, अब पहले गणपति जी को थैंक यू बोल देते। बरोबर, बोला गणपति अप्पा। तिम्नासा का ये संदेश बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है, कहीं ये उस प्रेक्षक से तो जुड़ा हुआ नहीं है? अब मुझे इस संदेश को देख ही लेना चाहिए। बहुत देर कर दी तुमने संदेशा खोलने में बालवीर। खैर, जानकर खुशी हुई कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर मेरा खौफ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलामी दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे बालवीर को जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ मेरा सामना किया और मेरा अंत किया। सचमुच तारीफ के लायक है वो सब। लेकिन बालवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो भरोसे के लायक है भी कि नहीं? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर, जितने बहादुर उतना भोला बालवीर। लेकिन जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो, क्या वो भरोसे के लायक हैं बालवीर? क्या कभी तुम्हारे उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? क्या कभी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा परिवार कौन है? कभी बताया उन्होंने कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार के साथ? मैं बताती हूँ, तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है और फिर सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। शौर्य से बड़ा शातिर और कोई नहीं है बालवीर। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने उन्हीं लोगों का साथ दिया, उस शौर्य का साथ दिया। अब कैसे जिएगा बालवीर इस सच के साथ, इस कड़वे सच के साथ? कैसे देखोगे अपनी ये शक्ल आईने में कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा तुम उसी का साथ देते आए? माँ, जब भी आपसे मिलने आता हूँ बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे पहचान लेंगी और अपना हाथ मेरे सर पे फेरेंगी। अब तो तिम्नासा का भी अंत हो चुका है, अब तो आप मुझे पहचान रही है ना? माँ, thank you.
मुझे किसी तरह पता करना होगा कि आखिर हुआ क्या था, किसका वध किया है शौर्य ने, और तमनासा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माता पिता के गुनेगारों का अनुयायी हूँ। भैया वो देखो, अब विवान क्या तुम्हें पता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? सीनियर मैं तो शौर्य दिवस पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। ओह लेकिन विवान तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम बालवीर हो। एक काम करो, तुम जल्दी से इस बारे में शौर्य से पूछो, क्योंकि मेरे पेट में तो हेडेक हो रहा है, मैं और देर तक ये सीक्रेट के लिए वेट नहीं कर सकता। पूछो पूछो जल्दी। हाँ। शौर्य क्या मैं जान सकता हूँ इस शौर्य दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आज आपका बर्थडे है? लेकिन बंबाल श्री आपसे एक बात पूछनी है, ये अंडा तो यहाँ 20 सालों से पड़ा होगा, तो फिर आज के दिन में ऐसा क्या खास है जो कल नहीं था? क्योंकि 20 साल पहले आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई थी वीरलोक के जयकास। आज से 20 वर्ष पहले की बात है, वीरलोक में एक बहुत ही निपुण रसायन विशेषज्ञ हुआ करता था। रसायन? भैया रसायन मतलब केमिकल में एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऐसा कुछ? वीरलोक के फूल पौधों का इस्तेमाल करके वो रसायन शास्त्री कई तरह की दवाइयां और चमत्कारी तत्व बनाया करता था। उसका नाम था जयकास। जयकास तंग आ चुका था शौर्य के शराफत भरे बेकार भाषणों से। शराफत होती ही है तकलीफ देने वाली चीज, मुझे तो शराफत को देखकर घिन आने लगती है। उसे भी आने लगी थी, शराफत सपनों के आड़े आ जाती है और जयकास सपने देखने लगा था मेरी तरह। गलत राह पर चलने लगा था जयकास। पहली बार कोई दिलेरी का काम करने जा रहा था जयकास। अपने घमंड में चूर जयकास ने एक कवक नाम के जैविक हथियार का निर्माण किया, जिसके इस्तेमाल से वो इस धरती को 2020 में पूरी तरह से नष्ट करके धरती पे राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बढ़िया काम कर पाता, शौर्य की बुरी नजर पड़ गई उस पर और जयकास को अपने कवक और दो छोटे बच्चों के साथ वीरलोक से भागना पड़ा। और वीरलोक से भागने के लिए जयकास ने इस जहाज का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो वीरलोक के नियम के विरुद्ध है। जयकास ने कभी नहीं ये सोचा था कि वो अच्छाई का पहरेदार शौर्य जो सबको शराफत का पाठ पढ़ाता है, वो खुद जयकास पर पीछे से हमला करेगा। लेकिन जयकास ने भी पलटकर शौर्य पर वार किया। लेकिन जयकास के जवाबी हमले में एक धमाका हुआ और उसमें जयकास का विमान नष्ट हो गया। जयकास का एक बेटा विमान से फिसलकर एक रेगिस्तान में गिरा और उसका दूसरा बेटा जहाज के साथ यहां शिंकाई की गहराइयों में आकर गिरा। लेकिन जयकास ने मुझे बताया कि उसने अपने दूसरे बेटे को इस कवक के अंडे के अंदर सुरक्षित छिपा कर रखा है, इसलिए मैंने इस जगह के चारों तरफ एक पाश बांध दिया ताकि शौर्य उसे ढूंढ न सके। मैंने जयकास के दूसरे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वो विमान मिला और ना जयकास और ना ही उसका दूसरा बेटा। शायद उनका अंत उस विमान दुर्घटना में हो गया। लेकिन मरने से पहले जयकास ने मुझे यह बताया कि 20 साल के बाद इस कवक के अंडे से उसका दूसरा बेटा बाहर आएगा, जो कि इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाएगी। 20 साल पहले अगर हमने जयकास को नहीं रोका होता तो उसके कवक हथियार से 2020 में पूरे संसार का सर्वनाश हो चुका होता। ओह, तो इसी विक्ट्री को याद करने के लिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, राइट? ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। हाँ,
सो भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है। कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देबो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नॉट, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है। सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बाइट ट्राई कीजिए। कम ऑन, इस बार हो जाएगा। कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जयकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना। I promise देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इस दुनिया से
अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। आ गए हम बालवीर, ये देखो वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। दुबाडुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त? तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर, मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबाडुबा, इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा, ओके? लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर, मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर चले वापस, अभी अभी तो आए हैं, कुछ पन्ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने, तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहाँ पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, चलते हैं ना बालवीर। अरे डुबाडुबा, इसमें घबराने की क्या बात, शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना ये तो अच्छी बात है ना? और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ फिर सही है। लेकिन डुबाडुबा एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे हैं मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? ये देखो बालवीर, इसके हर पन्ने पर एक वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। 19 और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.